अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक बहुत खास शख्सियत, एक ग्लोबल सुपरस्टार जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया में बहुत नाम कमाया। नई जनरेशन उनकी दीवानी है। ये रैपर हैं, ये राइटर हैं, ये सिंगर हैं और नाम है बादशाह। और ये तालियां बजते रहे क्योंकि मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। हमारे आज के जज भी बहुत खास हैं। वो फैशन की दुनिया के बादशाह हैं। उन्होंने फैशन को ग्लोबल मैप पर स्थापित किया है। प्लीज वेलकम फैशन डिजाइनर सुनील सेठी। और सबसे पहले आपकी अदालत में आज के जज सुनील सेठी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। लेकिन सवाल पूछूं इससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 500 स्टेज शोज किए हैं, अभी आप यूके में बड़ा शो करके आ रहे हैं, आपकी अदालत में आके कैसा लग रहा है? मतलब मेरे माँ बाप को आज कुछ लगेगा कि मैंने कुछ किया लाइफ में। नहीं सर, आपसे मिलने का मौका मिला और मतलब जगह थोड़ी सी अजीब है लेकिन बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। भाई शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बादशाह। आपकी अदालत में पॉप और रैप स्टार बादशाह पर इल्जाम है कि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। बादशाह असली नाम आदित्य प्रतीत सिंह सिसोदिया जी, घर का नाम बिट्टू जी, रैपर का नाम कूल इक्वल जी और पब्लिकली बादशाह जी। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई नाम में? सर आदित्य मम्मी ने रखना था, प्रतीक पापा ने रखना था। तो पता नहीं उनको अपने आप पे भरोसा था या नहीं कि तो कहते इसी के दोनों नाम रख देते हैं, सिंह सिसोदिया सरने में। तो अब आए दोनों गांव से हैं तो गांव में आदित्य प्रतीक तो किसी को बोलना नहीं आता था, तो कहते इसका कोई छोटा नाम बताओ, तो बिट्टू पड़ गया फिर। हाँ तो फिर बिट्टू बुलाते थे। फिर जब मैंने रैप करना शुरू किया इंग्लिश में तो मेरी ईमेल आईडी होती थी कूल इक्वल एट कुछ तो होती थी, याहू पता नहीं हॉटमेल होती थी, हाँ यही चलता था। तो कूल इक्वल नाम रख लिया। फिर मैंने लगा यार ये नाम में वजन नहीं है इतना जितना मुझ में वजन है, तो फिर बादशाह हो गया जी। सिर्फ नाम में नहीं जी, काम में भी जी। अब मैंने आपके लिए एक रैप लिखा BHU में पहले आया, मेस में एनरोल करवाया, वहां से भागा, स्टीफन्स आया, वो भी जल्दी से छोड़ दिया, मैंने सबको कंफ्यूज किया। पापा ने बनाया इंजीनियर, नौकरी ने बना दिया गेटकीपर जी, पर मुझे तो होना था पॉपुलर, मैं बन गया रैपर जी। बाज आज आपको रैप करते हुए देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि क्योंकि नहीं क्योंकि जब मैंने पापा को बोला था मैंने रैपर बनना है तो उनको पता भी नहीं था कि रैपिंग होती क्या है। तो मैंने उनको समझाया कि कहते क्या करना चाहता है तू बता तो दे, हमें समझा तो दे। तो उनको तो सिंगर्स पता थे, रैपर पता नहीं था। तो फिर आज मैं उन्हीं को कहना चाहता हूँ कि पापा देखो
मैंने करके दिखा दिया। आप रोकते थे मुझे रैप करने से, आप रोकते थे मुझे रैप करने से, मैंने दुनिया को सिखा दिया। लेकिन रैपर बनने पर आलू की टिक्की ज्यादा खाई या पापा की मार ज्यादा खाई? दोनों दोनों। देखो पापा की मार तो बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको पापा की मार नहीं पड़ी वो इंसान नहीं बनता, मतलब वो बड़ा हो जाता है लेकिन इंसान पापा की मार से बनता है। और आलू की टिक्की सर बहुत खाई है, जो बिट्टू टिक्की वाला था, जो बहुत मशहूर बिट्टू टिक्की वाला है, मैं ट्यूशन पढ़ने जाता रानीबाग, वो बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर होता, तो टिक्की ट्यूशन ख़त्म होके टिक्की भी बहुत खाई है। तो 5वीं क्लास में जिस लड़की को देखते रहते थे उसको भी टिक्की खिलाई? नहीं देखता ही रहा सर मैं। कुछ 5वीं से 8वीं तक वो मेरी बेंच पार्टनर थी, तो अभी वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी बेंच पार्टनर होती थी और वो जब मुझसे बात करती थी मैं देखता भी नहीं था उनकी तरफ, तो मैंने देखा ही नहीं। तो बस 8वीं क्लास में जब राखी, उन्होंने राखी बांध दी। रिश्ता तो बना के जाऊंगी। ये जो आइडियाज थे लड़की ब्यूटीफुल, तो ये वहीं से आने शुरू हो गए? सर ये मेरा आइडिया नहीं था एक्चुअली, मैं विकासपुरी में बैठा था और हम मोमोज खा रहे थे और मेरा एक दोस्त था, उसकी वो चुल वर्ड बहुत यूज करता था, तो बस वो वहां से आइडिया आया। और ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है? ये मेरा आइडिया था सर, ये मेरा आइडिया था। ये मेरे चाचा जी हैं, वो हर चीज़ पे बोलते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो मैंने कहा चाचा जी, मतलब ये भी खैर चाचा जी का आइडिया, लेकिन हम ना ऐसे इधर उधर से आइडियाज लेते रहते, जैसे आपको हर चीज़ में न्यूज़ दिखती है, हमें हमें हर चीज़ में लिरिक्स दिखते हैं। लेकिन जो पहली बार आप गाना लेकर के मुंबई गए थे जी, जहाँ प्रोड्यूसर गायब हो गया, गायब हो गया था। तो सर मुंबई के बारे में हमने सुना था कि वहाँ पे ना ठीक लोग नहीं होते, तो हमें क्या पता था कि हमें भी गलत लोग ही मिलेंगे। तो एक प्रोड्यूसर थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, हमें उन्होंने दिल्ली में बुलाया, पहले बहुत बड़े घर में बुलाया, मतलब घर ऐसा कि उसके लिए गूगल मैप चाहिए ऐसा घर था। तो बुलाया, बिठाया, खूब खातिरदारी करी, कहते हमने तुम्हारा नाम सुना है। मैं कह इतना तो नाम नहीं है जितना तुमने सुन लिया। तो कहते हमें तुमसे गाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है गाना बना देंगे, मैं इतने पैसे लेता हूँ। तो उन्होंने एडवांस दिला दिया, कुछ हज़ारों में एडवांस था वो। तो मैंने कहा ठीक है, कहते फिर आप ना मुंबई आ जाना हफ्ते का। तो मैं अब वो जो एडवांस आया था उसी पैसे से फ़्लाइट कराई और मुंबई गया, और थोड़ा टशन के चक्कर में बिजनेस क्लास करा ली कि अब तो स्टार बन गए। तो मुंबई गया मैं, उनको फ़ोन मिला, रहा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो होटल भी फिर 5 स्टार ही कराया था। तो मैंने कहा चल होटल में तो रुक के जाऊँगा और बढ़िया। तो वो गायब हो गए। फिर वो अभी शिल्पा मैम की एक दिवाली पार्टी थी अभी हाल ही में, तो वहाँ पे वो इंसान मुझे मिले, मुझे तो याद भी ना था कि वो वही थे। तो वो मुझे हाय ब्रदर, ए ब्रदर। मैं क्या कौन है भाई, मैं तो जानता नहीं। वैसे मेरी मेमोरी अच्छी है, मैं फेस याद रख लेता हूँ, नाम चाहे ना भी याद हो। तो कहते आपको याद है दिल्ली में हम मिले थे? मैं क्या नहीं। तो कहते नहीं नहीं हमने एक फिल्म बना रहे थे, हमने गाना बनवाया था आपसे वहाँ, शास्त्री पाक कोई बड़ी सी वहाँ पे बुलाया था। मैंने कहा तू है? कहता हाँ हाँ। मैंने कहा भाई तेरे को पता है तेरे लिए गाना कौन सा बनाया था मैंने? कहते नहीं। मैंने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो उसके लिए वो गाना बनाया था। तो मोए मोए हो गया उसके। लोग समझते हैं कि बादशाह तो बड़े घर में पैदा हुए जी, बादशाह ने तो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही सिल्वर स्पून से की। मैं पैदा एक ऐसे घर में हुआ था, मतलब एक
दिल्ली में घर होते हैं, फ्रंट होता है और बैक होता है, पतली गली होती है। तो जो हमारा घर था वो किराए पे था और दो कमरे थे, वहाँ रहते थे हम। और वो जो पतली गली होती थी वही हमारा प्लेग्राउंड होता था। वहाँ कोई जब कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी गिर देता था तो वो हमारा प्लेग्राउंड बन जाता, कोई ईंटें रख देता तो उसमें खेल लेते। वहीं साइकिल चलानी सीखी, वहाँ पैदा हुए थे सर। और लेकिन मेरे माँ बाप ने अपब्रिंगिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी और मतलब औकात से बढ़ के ही किया जो भी किया। तो मुझे याद है एक बहुत बड़ी टाइमेक्स की घड़ियाँ होती थी उस टाइम, बहुत महंगी होती थी, तो अखबार में ऐड आई थी तो मैंने ऐड काट के वो पापा के ब्रीफकेस में रख दी कि जब वो ऑफिस जा रहे थे, स्कूटर पे जाते थे। तो शाम को मुझे याद है मैं खेल रहा था और उन्होंने वो घड़ी निकाल के मुझे दे दी और वो घड़ी बहुत महंगी। अब जो आप गाने गाते हैं जी, जो रैप गाते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, तो पसंद आता है मम्मी पापा को? हाँ, वो मम्मी तो काफ़ी क्रिटिक करती हैं कि ये तेरा गाना चलेगा, ये तेरे को ये नहीं करना था। जैसे एक सनक गाना था उस पर थोड़ा विवाद हुआ था, बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन थे मेरे घर पे। मम्मी कहती नहीं सही है, पापा कहते नहीं गलत है, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है, लेकिन घर पे ज़्यादा काम की बात करते नहीं हैं वो। क्या बात करते हैं घर पे? डांटते हैं वो, सोता नहीं है टाइम पे, खाना नहीं खाता टाइम पे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख। और रिश्तेदारों की चुगलियाँ बहुत करते हैं, चुगलियाँ ही चलती रहती है, चाची ने कर दिया, मामी ने कर दिया, बुआ ने कर दिया। मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है उसमें, तो लड़की ब्यूटीफुल करके ही चुल हो जाता। कई बार ऐसे लगता है कि इतना कन्फ्यूजन लाइफ में है कि आप गलत फैसले लेते हैं। आपने टीवी चैनल बनाया कि मैं MTV को बीट कर दूंगा। आया था मेरे मन में एक बारी कि मैं एक टीवी चैनल बनाऊंगा और MTV को ख़त्म कर दूंगा मैं, 6 महीने में ख़त्म, 6 महीने में चैनल ख़त्म हो गया। फिर आपको फिल्में बनाने का शौक चढ़ा? हाँ, तो पहली फिल्म गलती से बनी थी, वो हिट हो गई, फिर मैं क्या, मुझसे बड़ा प्रोड्यूसर ही नहीं है कोई, स्क्रिप्ट तो मुझे ही आती है जज करनी। दूसरी फिल्म बनाई, वो 35 लाख रुपये कमाए उसने सिर्फ। भाई पब्लिक में पूछते हैं, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आपको लगा ये दावत है, पर मैं आपको बता दूं ये रजत जी की अदालत है, थोड़ा बच के रहिएगा, आने वाली शामत है। आने वाली शामत है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं आपकी अदालत में सवाल भी रैपर की तरह पूछे जा रहे हैं। आंसर ऐसे एक्सपेक्ट मत करना। आपने शाहरुख खान की मूवी से अपना नाम बादशाह तो रख लिया जी, लेकिन शाहरुख खान ने आपके लिए क्या किया? मुझे लगता है शाहरुख खान को मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हैं इस धरती पे, उन्होंने यही बहुत कुछ कर दिया। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, और बहुत सारे लोग उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ करी, उन्होंने मेरे कुछ काम कहा था, उनकी एक टीम है उसके लिए गाना बनाने को था, तो मैंने वो गाना बना के उनको दिया। तो फिर उनकी वो पूजा मैम जो उनकी मैनेजर हैं, वो पूछते कि भाई पैसे वैसे, मैं क्या मैम, मैं तो धन्य हो गया, मतलब मैंने मेरे को मौका मिला सर के लिए काम कर। कहते नहीं तो पागल है बता। मैंने कहा तो मुझे ना प्ले स्टेशन चाहिए, नया प्ले स्टेशन आया था, प्ले स्टेशन 5। तो कहते हाँ पक्का? मैं क्या हाँ, मैं क्या लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। तो कहते मतलब? मैंने कहा वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ और मुझे वो चाहिए, और सबसे पहले चाहिए इंडिया में। तो मेरे पास अब फ़ोन आएगा, तो मेरे पास एक हफ्ते में सर का मैसेज आया फ़ोटो के साथ, प्ले स्टेशन पड़ा था, तेरा सामान घर पे आया पड़ा है, कहाँ भिजवाना है। तो सबसे पहला जो प्ले स्टेशन इंडिया में आया था वो शाहरुख सर ने मुझे, और मैं इतना बेवकूफ़, इतना मूर्ख, मैंने सर के साइन भी नहीं कराया उस पर, तो वो बट वो उन्होंने एक हाँ मोए मोए। एक व्यूअर ने मुझे सवाल भेजा, उसने पूछा कि जो टैटू बना है उसको लेकर के बड़े एम्बेरस्ड होते हैं हाथ पर, जो टैटू बना है। ये जो टैटू है ना, अगर आप इस पर फोकस करेंगे, ये है टूटा हुआ दिल जिस पर बैंडेड लगी हुई है।
ये 35 साल की उम्र में इंसान ये कराता हुआ अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैंने क्यों कराया था आज मुझे। लोग यही जानना चाहते हैं कि वो कौन थी जिसने दिल तोड़ा। थी सर कोई बच्चों वाली, अभी बच्चे हैं उसके, हस्बैंड है उसका। मतलब क्यों, एक उसकी गृहस्थी है तो, एक ही थी कि काफी थी? नहीं तोड़ने वाली तो एक ही थी, बाकी जिनके, कई बार तो सर पता है आर्टिस्ट लोग ना इतने पागल होते, कई बार जानबूझ के दिल तोड़वा लेते हैं। मतलब जानबूझ के ना, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, हाँ कुछ तो आए, मतलब कुछ, हाँ। और ना मतलब अजीब से इंसान होते हैं। तो दिल टूटने का फायदा क्या होता है सर? बहुत फायदा, अच्छे हिट गाने निकल जाते हैं। दिल टूटने से कौन से गाने निकले? एक गाना किया था सर मैंने, लाइटें बंद टीवी ऑन नहीं होता, मैं हमारे कमरे में नहीं सोता, मैं ओल्ड स्कूल मुझसे मूव ऑन नहीं होता। मतलब ऐसे से अजीब लोग हैं हम, प्यार के पीछे भागते हैं और फिर जब प्यार मिल जाता है तो फिर प्यार से दूर भागते हैं। तो ये कश्मकश क्या है ये समझ नहीं आते। आपकी अदालत में बहुत ज्यादा पर्सनल बातें तो हम नहीं करते हैं, हाँ। तो इसलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, हाँ। एक ब्रेक के रुकते हो, ब्रेक के बाद आपकी अदालत में बादशाह पर सवाल और इल्जाम का एक और। बैठी बैठी मैं, तूने आग भर दी, खाली बोतल में शराब भर दी। क्या क्या लिखा है यार, बैठी बैठी मैं तूने आग भर दी, और फिर लिखा कि तेरी कसम बिल्कुल सीधी सादी मैं, तूने लड़की खराब कर। वेलकम बैक, आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं म्यूजिक की दुनिया के सुपरस्टार बादशाह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पॉप स्टार बादशाह पर आरोप है कि ये नई जेनरेशन को बिगाड़ने में सबसे आगे हैं। बादशाह स्पॉटिफाई पर जो मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट हैं उनमें नंबर 4 पर आप हैं। यंगस्टर्स आपको बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन जो आपके गाने, आपके जो रैप सुनते हैं उसमें शब्द होते हैं दारू, लड़की, पैसा, गोली, गाड़ी, तो बिगाड़ने का ठेका लिया आपने? सर बिगड़े ही हुए हैं तो और सर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो बिगड़े हुए होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा सा। बट जो भी मैं ये चीज़ लिखता हूँ चली रही है, मतलब तभी लिखता हूँ, मेरे कहने का मतलब हाँ चली रही है ये तो देख रहे हैं हम जी। लेकिन आप क्या लिखते हैं? बैठी बैठी मैं, तूने आग भर दी, खाली बोतल में शराब भर दी। क्या क्या लिखा है यार, बैठी बैठी मैं तूने आग भर दी, और फिर लिखा कि तेरी कसम बिल्कुल सीधी सादी मैं, तूने लड़की खराब कर। चरम सीमा है ये उसकी लिखाई की। नहीं मतलब सर आर्ट तो वही है कि बिना कुछ कहे सब कुछ कह जाना। आई थिंक इट्स ये बहुत मुझे ऐसा, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने तो पूरी जनरेशन खराब कर। नहीं लगता है मैंने जनरेशन खराब कर, जनरेशन यही बैठी है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि छोटी छोटी बच्चियां इस गाने पर डांस कर रही थी और बाद में पेरेंट्स से मार खा रही थी। तो पेरेंट्स वो गाना सुन लें, बच्चे ना सुने। तो पेरेंट्स भी तो सुन ही रहे हैं सर वो गाना, और फिर वो कह रहे हैं कि बच्चों को ना सुने। वो बड़े होकर उन्होंने भी पेरेंट्स ही बनना है। तो मतलब तो सारे गाने ऐसे होते हैं, जी भर के नाच ली बेबी, आंटी पुलिस बुला लेगी। हुआ था मेरे साथ तो मैंने लिख दिया, तो पुलिस आई तो सेटलमेंट हो गई, फिर चली गई, तो कर लिया हैंडल। और लुधियाना में आपके शो में पिस्तौल ही निकल गई। तो
लुधियाना में हम शो कर रहे थे, करियर के शुरुआती टाइम की बात है, और वखरा स्वैग वगैरह आ गया था थोड़ा, मतलब वो सीन हो गया था कि तो हम शो कर रहे, उसने पिस्तौल निकाल ली, मैं कह सर ये अंदर रख ले, कहते यार खुद तो तू गोलियों की बात करता है, पिस्तौल देख के तेरी फट रही है, मैं कह सर यहाँ नहीं यार यहाँ थोड़ा अंदर डाल लो पिस्तौल, जेब में डाल लो, तो ये होता है नॉर्मल है। हाँ ये होता है, आप लिखते हैं बम तेरा गोते खाए तेरी कमर पे बटरफ्लाई, अब बताइए कमर तेरी बटरफ्लाई और बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में तू बम तेरा, उसको बम ही कहते हैं ना और तो क्या, और भी कुछ कहते हैं वो लिख नहीं सकते, तो बम तेरा बम तेरा गोते, आप तो बच्चे को भी कहते बम ही साफ कर लिया आपने, बम ही साफ कर लिया, बम ही तो बच्चों वाली बात है, बम तेरा गोते खाए, मेरे को तो कहते कि बच्चों वाले लिरिक्स लिखते हैं, मैं तो सबसे चाइल्ड फ्रेंडली रैपर हूँ मैं तो, कि चले जब तू लटक मटक, ये क्या लिरिक्स हैं, ये तो बच्चों वाले लिरिक्स हैं, तो मैं तो लिखता ही वो हूँ। अच्छा ये भी बच्चों वाले हैं, तू है सेक्सी बड़ी सोसो, तू है सेक्सी बाकी है सोसो, मैं तेरा काका तू मेरी कोको, वो आपने नहीं सुना बच्चों कहते हैं कोको लेगी कहाँ गई कोको लेगी, तो ये सब वही वहीं से हैं। सर मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो गाना है वो पार्टी सॉन्ग है, बहुत लोगों को लगता है कि वो क्लब में बजता है, लेकिन ना मतलब वो क्लीनेस्ट पार्टी सॉन्ग है, उसमें कोई गाली नहीं है, कोई दारू नहीं है, कोई लड़की नहीं है, वो डिज्नी फिल्म के लिए मैंने गाना बनाया था, और डिज्नी वाले तो साला वर्ड भी नहीं यूज़ करने देते, कि साला भी नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं तो सर वैसे से लिरिक्स लिखता हूँ, और वो समझने वाले कैसे समझे मुझे नहीं पता सर। अच्छा अगर इतने सीधे सच्चे हैं तो फिर आपने ये क्यों लिखा इतना तो नाम नहीं जितना बदनाम हूं मैं, यही तो मैं क्वेश्चन है कि मतलब इतना इतना इल्जाम लग रहे, आप भी मुझे यहाँ पे बुला के इल्जाम ही लगा रहे, तो कई बार हो जाता है सर कि पीछे पड़ जाते लोग ऐसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता, तो मेरे को ऐसा लगता है यार मैं इतने वेले हो क्या तुम कि मैं ही मिला हूं तुम्हें, इतने मुद्दे हैं जिंदगी में उन पे जाके ध्यान दो, तो हैंस इतना तो नाम नहीं जितना बदनाम, बदनाम तो होगा। आप देखिए क्या लिखते हैं, प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस्ड, मुट्ठी में गेम मेरी सर कुछ लोग देखो कुछ लोगों पे तो मेरे को बहुत गुस्सा है, और मुझे एक ही गिफ्ट मिला है वो है लिखाई, और मैं उसको यूज़ करूँगा एक्सप्रेस करने के लिए, मैं ये नहीं कहता सारे लोग ऐसे, आप लोग आप जैसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो 30 साल से शो मर्यादा के साथ चला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मीडिया वाले हैं जो बहुत ही बेवकूफ़ हैं सर, मुझे ऐसा लगता है जो सेंसेशनलिज्म के चक्कर में ना किसी भी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के दिखा देते हैं, वो आई थिंक दैट इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ देम, तो ये उनके लिए लिखा। ये हर प्रोफेशन में होता है, जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हैं बिल्कुल 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 है, मैं मानता हूँ बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता बिल्कुल है सर, आगे बढ़े सर तो आप क्यों करते हैं ऐसा सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ, मैं बहुत कुछ, लेकिन फिर एकदम से एक वो इंस्टिंक्ट आता है कि यार मेरे लिए आवाज़ मुझे ही उठानी पड़ेगी, तो फिर करना पड़ता है। नहीं आपको कुछ शौक है, अपना इंस्टा पर बैड बॉय आपने लिखा, आपने जो क्लोथिंग लॉन्च की उसका भी नाम बैड फिट रखा जी, तो ये शौक है बैड बॉय बनने का? सर मैंने एक्सपेक्टेशन ही ज़ीरो कर दी ना दुनिया की, कि बैड बॉय ही हूँ तो कुछ भी करूँगा फिर वो अच्छा ही होगा, मतलब इससे पहले आप मुझे गाली दो मैं हाँ हूँ भाई मैं बुरा इंसान हूँ, और मुझे पता है मैं कैसा हूँ, लेकिन मैंने लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन ज़ीरो ही कर दी। देखिए जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं स्पेशली यंगस्टर्स जो फॉलो करते हैं उसको थोड़ा तो संभल के चलना चाहिए। सर मैं तो संभल के ही चल रहा हूँ। अच्छा वो तो, जो आपने शिवजी का मजाक उड़ाया था वो संभल के चल रहे थे? नहीं शिवजी का कोई मजाक नहीं उड़ाया सर बिल्कुल भी, मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने उनका कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैंने उसमें कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैंने उनका मजाक उड़ा, मैंने उसमें लिखा है कि क्या लिरिक्स क्या था,
भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उन्हें नचाने का शौक में नाचता फिर। ये वही करा रहे हैं जो मेरे से करा रहे हैं। नहीं, और उसमें जो एक दो शब्द इस्तेमाल किए थे जो बाद में आपने एडिट किया। हाँ, वो ये था कि उस गाने में वो तो बेसिकली उस गाने में ही भोलेनाथ का नाम आ गया, तो शायद काफ़ी लोगों को ऑफेंड हुआ और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। क्योंकि जब आप लिखते हो एज अ क्रिएटिव, आप काफ़ी चीज़ें नहीं सोचते, आप सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में सोचते हो। लेकिन आपको फिर ये भी रियलाइज़ होना चाहिए, जो कि मुझे समय के साथ साथ रियलाइज़ होता है या करा दिया जाता है, कि यू आर ऑल्सो अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। और वो मैंने एक्सेप्ट किया और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने भगवान की किसी भी तरह के, किसी भी आइडल की, किसी भी भगवान की कभी कोई, मैंने कोई गलत बात नहीं कही ना, मैं कह सकता हूँ। पब्लिक से पूछते हैं अगर इनके मन में सवाल है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रैप बोलना चाह रहे, बोलिए। पड़ोसी पूछे घर पे करता क्या है काम लोंडा, 12 लोग गैले लगता नहीं आम लोंडा, दाड़ भीज के यो करे बात सब तयो, घूर घूर देखे रोले तारे सुबह शाम लोंडा, नशे वाली चीज पाली ना कदी भी ओए, अटोरा पूरा लेरा बोस वाली फील लोए, तेरी छाती ते भी चोड़े मारे टायर बोए, आमे चढ़ चढ़ के यो मानता नहीं हार छोरा, 2 लीटर का रखा काला घोड़ा फोड़ का, चढ़ा दू उसके ऊपर जो घना हूँ बोल रहा, यंग ब्लड मारा मारे यो उबाले रोज बात चीज स्ट्रोंगर, लोंडा भी तो तगड़ा हो रहा, क्रेजी कह वे मुझे गैल खेल गे एम, डिफरेंट लाइफ स्टाइल मेरी, डिफरेंट मेरी वॉक बॉय, बुल्ट का यो जोड़ा रखा जोड़ा शेफर डॉग बॉय, होप बॉय कहवे मुझे करम कंडी छोरा, मैं RCNG की गाड़ी में भी काटू पूरा टोरा। अब इसके जवाब में आपका भी एक रैप बनता है। कुछ लिखा था मैंने, मतलब मेरा जैसे एजेंडा है कि इंडियन म्यूज़िक को ग्लोबल ले जाने का, तो ये गोरे बोरों से हिंदी बुलवा देंगे, काइली जेनर को बिंदी लगवा देंगे, और जो जो देखकर हमें गेट होते थे बंद, सारे गेट खुलवा देंगे, दिलजीत पाजी को चला नाटू नाटू ऑस्कर, कामयाबी हमने दोनों हाथों से पकड़ के खींच ली, और कभी रेंज रोवर रेंज के बाहर होती थी, टाटा अंकल ने पूरी कंपनी खरीद ली। जो भी मिली है ब्लेसिंग्स हमें, वो थोड़ी ना लगे, जो भी जितनी भी मिली है ब्लेसिंग्स हमें थोड़ी ना लगे, और हमारी बोली की कहीं बोली ना लगे, और ये ग्रैमी व्रैमी सारे आए पड़े हैं, किसी सिद्धू मूसे वाले को गोली ना लगे। तो एक और ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में बादशाह पर इल्जाम और सवाल आपका। एक और बादशाह, आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई, कौन सा भाई किसकी याद आई? वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हम मुकदमा चला रहे हैं सिंगिंग के ग्लोबल स्टार बादशाह पर। आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में फ्री स्टाइल म्यूजिक के स्टार बादशाह पर आरोप है कि ये बड़े धोखेबाज हैं। बादशाह, आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई, कौन सा भाई किसकी याद आई? ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हैवी सवाल पूछ लिया। हाँ, उनके लिए लिखा था। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कमबैक नहीं हो रहा। ये तो दुनिया को बताया सर, ये तो दुनिया को बताया था, किसके लिए? हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना, क्या सर इतना तो हक बनता ही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। No!
आपने तो अपने और उनमें फर्क बता दिया, मैं रोल्स रॉयस हूँ और वो। सर ये चलती रहती हैं, ये तो ये कुछ जो हमारा जॉनर है म्यूजिक का, जिस जॉनर से हम आते हैं वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे ये अगर ये नहीं होएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? इट इज इवेंचुअली इट इज एंटरटेनमेंट, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं, नहीं। लेकिन ये सच है कि हनी सिंह और आप करीबी थे, साथ रहे, हनी सिंह ने आपको गाना लिखना सिखाया, रैप करना नहीं, सिखाया? तो नहीं है सर, नहीं, ये सच नहीं है। हाँ ज्यादा हो गया। सर वो भाई हर किसी को तो नहीं कहता मैं, हम साथ थे और जिगर का टुकड़ा था मेरे वो, और मैं लिखता था उनके लिए, उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था तभी हम मिले थे, मैं लिखता था उनके लिए और वो म्यूज़िक बनाते थे, और जोड़ी क्या ही ख़तरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक़ था, उसे नचाना आता था। तो ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या झगड़ा हुआ? ब्रेकअप कैसे हुआ? अटेंशन नहीं दे रहा था वो मुझे। मैं ज्यादा इन्वेस्टेड था रिलेशनशिप में, चीट किया उसने मेरे से। कुछ नहीं सर, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए, हम 6 साल तक साथ रहे, फिर उनका करियर ग्राफ कुछ और था, मेरा कुछ और था, एक्सपेक्टेशंस का जब मिसमैच होता है तो फिर अलग हो जाती है चीज़ें, और वही हुआ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन जब आपका करियर बना, आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा सिंपथाइज करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी उनकी? उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है सर, मतलब वो खुद में सक्षम है, उनको क्या ज़रूरत है। हाँ जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद है मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहा था, मैं उनसे मिलने गया, वो मिले नहीं मुझसे, मुझे याद है। क्यों मिलेंगे? आप भी तो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, आप कहते हैं यो हनी सिंह बिजनेसमैन है, रैपर बाद में बना। इसमें क्या बुराई है? अच्छी चीज़ है, बिजनेसमैन भी है और रैपर भी है, मतलब उनको आता है बिजनेस करना, मतलब मुझे लगता है लोगों को सीखना चाहिए। भाई आपके बारे में तो कहते हैं कि यूट्यूब पर जो नंबर मिलते हैं वो एनहांस किए जाते हैं। कैसे? आपने दावा किया था पागल के लिए 70 मिलियन व्यूज हैं जी, लेकिन यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसको पैसा दे के नंबर बढ़वाए गए। तो पैसे दिए थे सर, गूगल एडवर्ड्स होते हैं उसके लिए पैसे दिए थे, कोई गलत काम तो किया नहीं, वो रसीद है मेरे पास बकायदा उसकी। गूगल एडवर्ड्स यूज किए थे सर, मेरे को ये था कि मैं मेरा गाना एक इंडियन गाना वर्ल्ड में नंबर वन बने, क्यों नहीं बन सकता, तो उसके लिए गूगल एडवर्ड्स हमने यूज़ किए, और बिल्कुल सारी दुनिया यही करती है, बोलती नहीं है, मैंने ठोक के बोला कि मैंने किया। या सारी दुनिया करती है, पकड़ी नहीं जाती, आप पकड़े गए? नहीं सर, मैंने बताया, मैं तो सोशल मीडिया पे आके बताया था कि मैंने गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए हैं और उससे मैंने ये व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। तो वो जो आपने पैसा खर्च किया 72 लाख रुपये सुना खर्च किए, उससे फ़ायदा हुआ? हाँ वो जो चाहिए था वो मिल गया। सर क्या होता है, जब आप गाना निकालते हो आप चाहते हो मैक्सिमम लोगों तक जाए, तो मुझे पता था कि इंडिया में मेरी इतनी रीच है, बट मुझे अगर उसको ग्लोबली लेके जाना है तो आप हर कंट्री में एड्स लगाते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, तो हम वो चाहते थे और उससे हुआ फायदा, जितना मतलब जितना उस टाइम हो सकता था वो हुआ। लेकिन एक वक्त आया जिस म्यूज़िक ने आपको बनाया, जिस म्यूज़िक ने आपको सब कुछ दिया, जिस म्यूज़िक की वजह से इतना प्यार मान सम्मान मिला, वो म्यूज़िक छोड़ दिया, शोज़ कैंसिल कर दिए। मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन और सीवियर एंग्जाइटी डिसऑर्डर था, 6 महीने मेरी दवाई चली थी, और ये टाइम सर बहुत ख़राब था, बहुत ही डार्क था। उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म कैसे होगा, और आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि थोड़ी सी डार्क बात बोलने वाला हूँ कि यार इससे अच्छा इंसान मर ही जाए तभी शायद ये ख़त्म होगा। तो मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ तो मैं समझता हूँ, एंड दैट इज़ वाई प्रॉबेबली आई वेंट अप टू हनी इन दैट वर्ड्स, बिकॉज मुझे पता चला था कि वो ऐसी सी बीमारी से निकल रहे हैं, और उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि यार जो उसके मम्मी पापा पे गुजर रही है ना वो ना गुजरे, और माँ बाप के लिए बच्चा हेल्दी होना चाहिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है सर,
बाकी सब यहीं रह जाना है, ये देश बेस कम बैक वम बैक सब यहीं रह जाना है, सब बकवास चीज़ें। इस दुनिया में आए हैं एक दिन मरना है, बीच में जो ड्रामा है वो बढ़िया होना चाहिए, वो फिर खुल के ड्रामा होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली यही है कि हेल्थ और माँ बाप का साथ, इससे ऊपर कुछ नहीं है सर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वो था ख़राब टाइम था लेकिन निकल गया। मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र पृथ्वी, मैं आज भी उनसे बात करता हूँ। लेकिन आप इतने नाजुक मिजाज कैसे हो गए कि एक फिल्म देखने के बाद आपको डिप्रेशन हुआ? सर वो ये हुआ था कि मेरा इलाज उस टाइम चल रहा था, तो अब वो इलाज में आपको गोली लेनी होती है जब आपको एंग्जाइटी वगैरह होता है, एक 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 साइकिल होता है। तो मेरा इलाज चल रहा था तो मैं फिल्म देखने चला गया, लुटेरा देखिए आप लोगों ने, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की। भाई वो फिल्म देख के मैं निकला, मेरे को डिप्रेशन गंदे वाला अटैक, और मैंने हर दवाई की ना डबल डोज ले ली। मैं गया और मैं सो गया, और सुबह उठ के ना मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा डॉक्टर यार एक प्रॉब्लम हुई। कहते क्या हुआ? मैंने कहा यार मैंने ना रात को फिल्म देखी थी लुटेरा, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, और मैंने ना हर दवाई की डबल डोज ले ली। ये दवाई का ना डोज के हिसाब से चलना होता है, आप अपनी तरफ से ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो कहते अच्छा, तो कहते एक काम कर। मैं क्या? हाँ। कहते रांझना बिल्कुल मत देखियो। तो वरना ट्रिपल डोज लेनी पड़ती। तो पता नहीं क्या होता, तो छोटे छोटे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं सर, पता नहीं क्या चीज़ ट्रिगर कर जाए। तो एंग्जाइटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ये मौका मिला है। एंग्जाइटी सबको होती है, किसी को सांप को देख के हो जाती है, किसी भी चीज़ से एंग्जाइटी होती है। जब वो एंग्जाइटी लंबी हो जाए तो उसको डिसऑर्डर कहते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है सर। जब आपको इतना अनुभव है, आप उसमें से निकले, वापस आपने अपना करियर बनाया, तो नौजवानों को ये भी बता दीजिए कि ऐसे निकलना कैसे होता है ऐसे डिप्रेशन से। प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। वैसे तो अगर ज़्यादा ख़राब, जैसे मैं जब अपने डॉक्टर के पास गया था तो मेरे को ये लगा था कि मैं डॉक्टर को सब कुछ बताऊँगा। मैं भरा बैठा था, एक तो जो वार्ड होता है ना, न्यूरोसाइकेट्री वाला वार्ड, वहाँ पे जब आप जाते हो आपको लगता है आपके आस पास ऐसे लोग होते हैं, आपको लगता है आप पागल हो गए, तो वहाँ पे और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं डॉक्टर, क्योंकि आपको लगता है डॉक्टर सुनेगा आपकी, तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को बताना शुरू किया। उसने एक मिनट भी नहीं सुनी, उसने दवाई लिख के दे दी। तो मैंने जब थोड़ा बहुत ठीक हुआ, 3 महीने बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कि डॉक्टर मेरे को ना आप ये बताओ कि मैं जब आपके पास आया था आपने मेरी सुनी नहीं बात, बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। कहते साले तेरा इतना बुरा हाल था, तेरे को दवाई ना देता तो तू जाता। तो वर्स्ट केस में मेडिकेशन होती है, और ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे हैप्पी। वो खुशी बहुत ज़रूरी है। अब उन लोगों के बीच में रहो जो तुम्हें खुशी देते हैं, वो चीज़ करो जो तुम्हें खुशी देती है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँ प्लीज़, यही है और कुछ नहीं है, खुश रहना बहुत। और दूसरा, कभी डिप्रेशन हो जी तो डॉक्टर के पास जाने से हेजिटेट ना करें। बिल्कुल, डिप्रेशन के लिए हेल्प सीख करो, थेरेपी सीख करो, बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। आपने बहुत अच्छा किया कि यंगस्टर्स को ये सलाह दी, बहुत तो ब्रेक के लूटते हैं। और ब्रेक के बाद आपके अदालत में बादशाह पर इल्जाम और सवाल का एक और दौर। वेलकम बैक, आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार सिंगर बादशाह। आपकी अदालत में अगला ही। आपकी अदालत में रैप स्टार बादशाह पर इल्जाम है कि ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। अब देखिए आप किस किस तरह के ड्रामे करते हैं। एक तस्वीर मेरे पास है जी, शॉर्ट्स पहने हैं, नाड़ा बाहर लटक रहा है, एक पैर में अलग रंग की जुराब है, दूसरे में अलग तरह की। ये ड्रामा जनता को दिखाना चाहता हूँ मैं, क्या ज़रूरत थी? सर वो फैशन है, फैशन है, वो अच्छा कुछ अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा। वो सर बैठे हैं, वो सर बताएंगे, वो फैशन है सर। नहीं, ये सब लोग वो तो फैशन के मास्टर हैं जी जी। तो सुनील सेठी आप ही बता दीजिए, ये नाड़ा लटकाना फैशन है? जो बादशाह चला दे वो फैशन। सबसे ज्यादा चर्चा होती है आपके शूज की जी, वो क्या मिस्ट्री है? कोई मिस्ट्री नहीं सर, जूते हैं।
बचपन में खाए हैं, अब खरीद रहे हैं। और बहुत जूते खरीदते हैं, बहुत खाए भी है ना। मेरा सवाल ये है कि आपने लंबोगनी तो खरीद ली जी, पर आपको गाड़ी की चाबी निकालना नहीं आया, ऐसा क्यों? मुझे पता नहीं था उसका पहला गियर कैसे डलता है। वो पैडल शिफ्ट से डलता है उसका पहला गियर, मुझे नहीं पता तो कौन वाला गियर तो होता नहीं। साले चलाइए कभी। कोई नहीं, खरीदेगा एक दिन इंशाल्लाह। तो उसका मुझे पता नहीं था चलेगी कैसे, तो मैं बैठा बैठा वो मैं ढूंढ रहा गियर, तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा जो चलती है, तो पीछे काफ़ी लंबा जाम लग गया था, तो फिर मुझे पता चला उसका पेडल शिफ्ट होता है और राइट हैंड से ही अब दोनों में आ गया तो वैसे चलती है, तो मुझे पता नहीं था। ये बात सही है, आपको फिल्मों में बड़े अच्छे अच्छे रोल ऑफर हुए थे, लव स्टोरीज में रोल ऑफर हुआ था। अच्छे अच्छे तो नहीं थे, रोल ऑफर हुए थे। लस्ट क्यों कर दिया? लस्ट स्टोरीज देखा आपने? विक्की कौशल का रोल देखा? तो विक्की कौशल का रोल ऑफर हुआ, तो करण सर मुझे रोल समझा रहे थे, मैं क्या सर मैं ये रोल क्यों करूँगा, मैं तो मतलब हाँ थोड़ा मर्दानगी के खिलाफ है ये रोल, ऐसा सा माइंडसेट था। तो वो रिजेक्ट, वो तो मैंने ही नहीं किया। फिर उसके बाद गुड न्यूज़ में दिलजीत पाजी वाला रोल ऑफर हुआ था मुझे, बट तब अक्षय पाजी नहीं थे, तब राजकुमार राव थे, और उसके तो राज सर ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया और दिलजीत पाजी वाला रोल था। तो लव स्टोरीज में ही कुडंट सेटिस्फाई हिज वाइफ, और इसमें बच्चे नहीं हो रहे होते, तो मैं यार मेरे चेहरे पे लिखा है क्या कुछ। तो फिर एक फिल्म आई खानदानी शफा खाना, उसमें रोल ऑफर हुआ एक रैपर का जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो मैंने कहा मुझे लगता है कर लेना चाहिए ये रोल, तभी ये जिंक्स टूटेगा। तो सर ऐसे ऐसे रोल ऑफर हुए, तो कोई वजह रही होगी ना? आई डोंट नो पता नहीं, शायद लगता हो ऐसे ही होते हो ये लोग, मुझे तो पता नहीं सर। सर आपका एक गाना है हार्टलेस, उसकी इंस्पिरेशन पूछनी है, वो कहाँ से आई? दैट्स अ वेरी 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 नाइस सॉन्ग। हार्टलेस यार मैं वो मेरी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, तो तब मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं चंडीगढ़ में था और मेरे को दिल्ली आना जाना पड़ता था, हम काफ़ी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे इकट्ठे, तो मैंने उसके लिए लिखा था कि मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का सुकून है, तू भी मेरी इन रगों में बहता खून है, कहने को दूर है दिल के करीब है, पैसे का नशा भी जाने जाना एक जुनून है, तुझे कैसे मैं बताऊं तू कितनी मासूम है, मासूम तो नहीं थी वो। मुझे पता है तू है परेशान, क्योंकि मेरी पहली एल्बम पिछले 2 सालों से कमिंग सून है, पर तू हिम्मत ना हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तू आंसू लेके सोया ना कर, बेबी बादशाह की जान है तू रोया ना कर। वो समझ जाती तो आज। अपने गाने तो सब सुनते हैं, आपको किसके गाने अच्छे लगते हैं, कुछ एक को ये गाना सुना दीजिए। यार मेरे को आजकल किंग के गाने सुनाइए ना एक गाना प्लीज। मान मेरे, मैं यार मैं सुन, मैं तो उसके गाने सुना दे यार। देख सकता नहीं कुछ मैं रखूंगा सुने कभी, देख सकता नहीं सारी बातें सुने तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने दे दूंगा, मेरी जान तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। My question is that I heard you sing a song with a Hollywood artist. Do you have any plans for any other Hollywood artist collaborations? Jiski kismat achhi hogi. Welcome back. आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे
मुकदमा चलाया सुपरस्टार बादशाह पर। हमने बादशाह से पूछा उनकी दोस्ती के बारे में, ब्रेकअप के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, जिंदगी की शुरुआत के बारे में और सफलता की बुलंदियों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने फैशन एक्सपर्ट्स सुनील सेठी के फैसले का। देखिए, बादशाह तो राजा होता है, सुल्तान होता है, नरेश होता है और शासक होता है। वो किसी को उत्तरदायी नहीं और उसको किसी को जवाब नहीं देना। पर ये तो आपकी अदालत है और आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने तो बादशाह को भी पेश होना ही पड़ गया। आपकी लोकप्रियता के कारण हमारी अदालत में आपकी हाजिर जवाबी से, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे और आपके उत्तरों से सब लोग बिल्कुल मनमुग्ध हो गए। पर बात यह है कि जज को तो निष्पक्ष होना चाहिए, पर मैं एक दुविधा में हूं कि यहां तो रजत जी को पता नहीं था कि ये तो जज ही बादशाह का फैन निकला। आपको बरी करना मेरे लिए आसान है, पर मेरे लिए इसके लिए दो शर्तें हैं जी। पहली शर्त तो ये है कि आप रैप करते हैं, आप पार्टी सॉन्ग्स करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ फोक सॉन्ग्स को भी कहीं अपने पूरे रेपर्टोर में उसमें भी लाइए जी। मैंने देखा कि आपने गेंदे फूल में ज़रूर हमारे फोक सॉन्ग को थोड़ा तड़का दिया है, तो मैं चाहता हूँ वो और भी करिए। आपका जो नई रिलीज आई है जवाब, मैंने उसे कल परसों में ही सुना है और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक रैप से एक रोमांटिक फेज में भी आ गए हैं, तो ज़रूर इसके पीछे भी कोई राज होगा। तो जवाब सुनना भी तो चाहिए उनसे, इन्होंने जो गाया नया। बाइज्जत बरी करना से पहले मैं एक अनुदेश देना चाहता हूं जी। और वो अनुदेश ये है कि आपको चंद पंक्तियां आपको जवाब के गाने से या जो आपके मनप्रिय जो गाना है वो हमारी जनता को जरूर बताएं, उसके बाद आप बरी होते हैं। ये मुनासिब होगा हमको थाम लो के, हम भी चांद ढूंढने लगे हैं बादलों में, नाम शामिल हो चुका है अपना पागलों में। मतलब ही इस दुनिया से किनारे कर दूं, नाम तेरे सारी की सारी बहार कर दूं, बस चले तो तेरे हाथ में सितारे रख दूं। इतना ही है। मेरी दुआ है कि बादशाह की बादशाहत इसी तरह कायम रहे, लोगों को एंटरटेन करते रहें, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रहे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। इस दुआ के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।